मुसलमानों पर बाढ़ जिहाद करने के आरोप का हुआ बड़ा खुलासा। खबर सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में विनाशकारी बाढ़ के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए गए जिनमें स्थानीय मुसलमान आबादी को इस आपदा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन क्या इन आरोपों में कोई सच था? इन आरोपों का सामना करने वाले एक व्यक्ति ने बीबीसी को अपनी कहानी सुनाई। 3 जुलाई की सुबह जब नाजिर हुसैन लश्कर के घर पर पुलिस ने दस्तक दी तो वो हैरान रह गए। कई सालों से वो राज्य में एक निर्माण मजदूर के रूप में काम करते रहे थे। वो बाढ़ से बचाव के लिए पुश्ते बनाने का काम करते थे, लेकिन उस सुबह उन्हें गिरफ्तार करने आई पुलिस ने उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन पर बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए पुश्तों को तोड़ने के आरोप लगाए गए। लश्कर सवाल करते हैं कि मैंने 16 साल सरकार के लिए काम किया और पुश्ते बनाए, मैं क्यों उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? जमानत पर छूटने से पहले लश्कर को 20 दिन जेल में बिताने पड़े। उनके लिप्त होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उनके इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर उठा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल मई और जून में असम में 2 बार विनाशकारी बाढ़ आई जिसमें कम से कम 192 लोग मारे गए। असम में यूं तो हर साल ही बाढ़ आती है, लेकिन इस बार बारिश समय से पहले और सामान्य से ज्यादा हुई। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स के लिए यहां कुछ और ही खेल चल रहा था। उन्होंने बिना किसी सबूत के ये दावा किया कि ये बाढ़ लाई गई है और मुसलमानों के एक समूह ने हिंदू बहुल आबादी स्थानीय शहर सिलचर को डुबोने के लिए बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए पुश्ते तोड़ दिए हैं। लश्कर और 3 अन्य मुसलमानों की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की बाढ़ सी आ गई जिसमें इन पर कथित तौर पर बाढ़ जिहाद के आरोप लगाए गए। इन पोस्ट को हजारों बार शेयर किया गया। इनमें कई ऐसे अकाउंट भी थे जो वेरीफाइड हैं और उनकी पहुंच काफी ज्यादा है। बाद में स्थानीय मीडिया ने भी इन दावों को अपनी रिपोर्टों में दोहराया। लश्कर को स्थिति की गंभीरता का तब पता चला जब जेल में उन्होंने टीवी पर एक रिपोर्ट में अपना नाम देखा। उन पर बाढ़ जिहाद करने के आरोप लगाए गए थे। मैं उस रात बहुत डर गया था और सो भी नहीं पाया था। दूसरे कैदी इस बारे में बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि कहीं मुझ पर हमला न कर दिया जाए। बाढ़ जिहाद के दावों की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। मुंबई के जमशेद जी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर निर्मल्या चौधरी कहती हैं, तटबंधों की मरम्मत और देखभाल की कमी की वजह बांध टूटते रहते हैं। इनमें से कुछ के पीछे लोग भी हो सकते हैं। ऐसे मौके भी आते हैं जब लोगों ने इसीलिए बांध तोड़ दिए कि पानी निकल जाए और उनके इलाके में बाढ़ न आए। सिलचर पुलिस इससे सहमत नजर आती है। सिलचर की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर कहती हैं, बाढ़ जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। पहले प्रशासन भी पानी को बाहर निकालने के लिए बांध तोड़ता रहता है, इस साल ऐसा नहीं किया गया और कुछ लोगों ने खुद ही ये काम कर दिया। प्रोफेसर चौधरी कहती हैं, इस तरह के दावे करना आसान रास्ता चुनना है, ये प्रबंधन की समस्या है और मुझे लगता है कि इसके समाधान के लिए और अधिक परिपक्व समाधान की जरूरत है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक बीते 5 साल में गूगल पर फ्लड जिहाद, इस साल बाढ़ जुलाई में सबसे ज्यादा खोजा गया। इस दावे के इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर फैलाई गई सनसनी इसका कारण है। कोरोना महामारी के समय भारतीय मीडिया में मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कोरोना जिहाद शीर्षक से रिपोर्टें प्रसारित हुई थी। आलोचकों का कहना है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से मुसलमानों को अधिक निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है। इसी बीच असल में जेल से रिहा होने के बाद भी लश्कर खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि मैं एक मुसलमान हूं, इसीलिए मुझ पर बाढ़ जिहाद का आरोप लगा दिया गया। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की भी अलग अलग टिप्पणी देखने को मिल रही है। सतीश पांडे नाम के यूजर ने लिखा, बाढ़ में मुसलमान भी तो बेघर तबाह होंगे, आपदाएं धर्म जाति देखकर तबाही नहीं मचाती हैं। वहीं गब्बर सिंह गब्बर नाम के यूजर ने लिखा, कुदरत का जब कहर आता है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, वो सबको तबाह करती है। हर चीज में राजनीति ठीक नहीं है। हरिकेश चतुर्वेदी नाम के यूजर ने लिखा, बांध काटने में वही लोग पकड़े गए थे तो आरोप किस पर लगेगा? तुम लोगों की पत्रकारिता पर तरस आती है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।